नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तो दिसंबर का आज 8 तारीख हो गया है, तो अभी भी आप कुछ विंटर सीजन वाले फ्लावर प्लांट्स को लेके आ सकते हो नर्सरी से और नए से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि मैं आज कुछ पौधा खरीद के लाया हूँ नर्सरी से, उसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप पहले ही देख सकते हो, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से पॉट पे कुछ प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट है और यहाँ पे दो डालिया के प्लांट हैं। तो ये जो डालिया के प्लांट है ये ड्वार्फ वैरायटी है, जिसमें प्लांट तो छोटा रहेगा 1 से 1.5 फुट तक, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डालिया के फ्लावर खिलेंगे। और जो मैरीगोल्ड के प्लांट है ये कुछ अलग वैरायटी है, ये इसका जो फ्लावरिंग होगा वो ब्लैकिश रेड होगा और बहुत सारे मात्रा में फ्लावरिंग होगा। इस साइड पे मैं कुछ मिर्च के प्लांट भी लाया हूँ और जिसको मैं अभी रिपोर्ट कर चुका हूँ। देखिए 3 मिर्च के प्लांट है, हालांकि मेरे पास अभी ऑलरेडी 4 या 5 मिर्च के प्लांट है, मैं फिर भी इसको लेके आया हूँ क्योंकि ये कुछ अलग वैरायटी है, ब्लैक वैरायटी, जिसको बुलेट मिर्च कहते हैं, शायद नर्सरी वालों ने मुझे यही बोला है। तो इसको मैं ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर मैं इसको ग्रो किया हूँ। तो 2 महीने में इस प्लांट पे मिर्च बनने का काबिल हो जाएगा ये पौधा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि इसमें कैसे मिर्च लगते हैं। इस साइड पे मेरे एक जारवेरिया के प्लांट है, इसको भी मैं अभी रिपोर्ट कर चुका हूँ प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे विंटर सीजन वाले फ्लावर प्लांट को मैं ग्रो किया हूँ, तो मेरे पास अभी पॉट नहीं है, शॉर्टेज है पॉट का, इसलिए मैं अभी इसको इस कैरी बैग के अंदर ही ग्रो किया हूँ। दोस्तों इस साइड पे मेरे और 2 डालिया के प्लांट है जिसको मैं लेके आया था। ये तो ड्वार्फ वैरायटी नहीं है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग होगा बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होगा। इसका कुछ नाम बताया था लेकिन मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इन सब को भी मैं देखिए प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ग्रो किया हूँ। ये मेरे 10 इंच के कैरी बैग है, तो कैरी बैग का हिसाब मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो कैरी बैग है इसका मुझे 100 ग्राम लिया था 20 रुपया, मतलब 100 ग्राम में 7 या 8 कैरी बैग मिलते हैं अगर आप 10 इंच वाले लेते हो। और जो 6 इंच वाला है ये भी वही सेम रेट है, 20 रुपया करके 100 ग्राम, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि ये थोड़ा छोटा है। तो इसमें मुझे शायद 14 या 15 कैरी बैग मिला था 100 ग्राम के। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक रोज़ के प्लांट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो छोटे से कैरी बैग के अंदर लगा हुआ है। तो इसमें जो रोज़ खिला हुआ है थोड़ा अलग दिखते हैं देखने में, इसलिए मैं इस वैरायटी को लेके आया हूँ कल। शायद इसको मोनालिसा या ऐसा कुछ वैरायटी कहते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है, मैं कभी सुना नहीं हूँ। लेकिन फ्लावर देखिए ऑलरेडी जो खिला हुआ है, जो देखने में देखिए बहुत सारे पेटल्स है इसमें, देखिए ये नया खिला है और ये थोड़ा पुराना है। ये देखिए कितना सुंदर इसका लग रहा है, देखिए बहुत ही फ्लावर का साइज़ तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग हो रहे हैं वो देखने में बेहद खूबसूरत है। दोस्तों अब मैं इसका रेट बताता हूँ, इस पौधे का जो रोज़ प्लांट है इसको मुझे मिला है 40 रुपया, मतलब 40 रुपीज़। और ये जो मिर्च के प्लांट है इसको मुझे मिला था 2 रुपया करके। और यहाँ पे जो डालिया के प्लांट है ये ड्वार्फ वैरायटी का है, जैसे मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, इसका मुझे मिला था 8 रुपया पर पीस। और ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट है इसको मुझे मिला था 2.5 रुपया पर पीस। और ये जो जारवेरा के प्लांट है ये मुझे मिला है 30 रुपया, 30 रुपये में मुझे ये जारवेरा के प्लांट मिला है। बहुत ही ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है। हालांकि अभी तो जारवेरा के फ्लावर ज़्यादा नहीं खिलते हैं, थोड़ा गर्मी में इसको फ्लावरिंग ज़्यादा होता है, फरवरी मार्च में इसमें फ्लावरिंग उम्मीद करता हूँ शुरू हो जाएगा। और इस साइड पे जो मेरे डालिया के प्लांट है ये भी मुझे मिला है 8 रुपया पर पीस। दोस्तों इसके अलावा मैं नर्सरी से ये देखिए मास्टर केक के फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे पूछ रहे थे कि मैं मास्टर केक के फर्टिलाइज़र कहाँ से लाता हूँ, तो ये नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं, या फिर आप जहाँ पे सरसों तेल निकालते हैं वहाँ से आप भी आप कलेक्ट कर सकते हो। 1 किलो फर्टिलाइज़र मुझे मिला है सिर्फ 24 रुपये पे। तो इसको बनाने का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। 10 लीटर पानी में 500 ग्राम आप मिक्स करके फिर उसको आप और एक पॉट पे 10 लीटर पानी लेके आप 2 या 3 मॉग, मतलब 2 या 3 लीटर आप ऐड करके फिर उसको आप सभी पौधे पे दे दीजिए। अगर आपको डिटेल्स जानना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है इसके रिलेटेड, आप
देख सकते हो। दोस्तों अभी आपके दिमाग में शायद ये आ रहा है कि मैं इतने छोटे से प्लांट अभी क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी दिसंबर का 8-9 तारीख हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ क्योंकि मैं पहले भी ऑलरेडी मैरीगोल्ड के प्लांट लगा चुका हूँ इस साइड पे, जो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर भी देखिए एक है, मेरे पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट है। तो मैं इसलिए अभी लेके आया हूँ ताकि मुझे बहुत दिन तक मैरीगोल्ड में प्लांट पे फ्लावरिंग मिले बहुत दिन तक। और यहाँ पे देखिए थोड़े छोटे छोटे से वैरायटी भी है। ये मैं लाया था आज से 10 या 15 दिन पहले और ये मेरे एक महीने के आसपास हो चुका है। इसमें तो बर्ड्स ऑलरेडी आ चुका है और फ्लावरिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इस साइड पे भी देखिए थोड़े से छोटे छोटे से भी प्लांट है मैरीगोल्ड पे। और मैं अभी और से कुछ छोटे छोटे से प्लांट लाया हूँ और इसमें फ्लावरिंग शुरू होने में ऑलमोस्ट जनवरी के मिड जनवरी 10 या 15 तारीख से इसमें फ्लावरिंग मुझे मिल जाएगा। अप टू मार्च के एंड तक ये फ्लावरिंग करेगा, तो इसलिए मैं इस सब पौधे को अभी फिर से लेके आया हूँ। और डालिया के प्लांट भी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे डालिया के प्लांट है जो अभी ऑलमोस्ट एक फीट के आसपास हो गए हैं। और फिर से मैं डालिया के कुछ प्लांट लेके आया हूँ। तो दोस्तों ये तो था एक छोटा सा जानकारी कि आप नर्सरी से अभी कौन कौन से प्लांट लेके आ सकते हो और मैं कौन कौन से प्लांट अभी फ़िलहाल लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।